हैव ए नाइस डे ऑल माई स्टूडेंट्स एंड माई फ्रेंड्स. टूडे वी विल डिस्कस ऑन इम्पॉर्टेंट एक्सटिंक्ट फिशेज लाइक एनिमल्स प्लेकोड्रम्स. Myself, known as Santhalal, Associate Professor, Government Lohia College, Churu, of Zoology. आपको जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार टू द पॉइंट आपको इस कोरोना क्राइसिस में घर बैठे आपको वीडियोज के द्वारा ई कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. अब बात आती है टॉपिक की. प्लेकोड्रम्स बड़ा कंट्रोवर्शियल क्लासिफिकेशन होगा इसका. प्लेकोड्रम वर्ड इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स. ग्रीक वर्ड फर्स्ट प्लेक्स मीन्स प्लेट, ड्रमा मीन्स स्किन, यानी स्किन में स्केल्स की बनी हुई मोटी प्लेटें उपस्थित होती हैं या प्लेट्स उपस्थित होती हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है प्लेकोड्रम्स. इसकी समरी जब लेते हैं तो पहला पॉइंट आएगा जियोलॉजिकल पीरियड. कब, कौन से काल तक ये फूले फले थे, यहां बता देना चाहता हूं. ओनली पैलियोजोइक एरा के अंदर ही ये उपस्थित थे और लास्ट का जो पीरियड परमियन आया वहां पर भी लुप्त हो गए. कॉमन फीचर्स ऑफ प्लेकोड्रम्स लेंगे कि इनमें पाए जाने वाले सामान्य लक्षण किस प्रकार के थे. और थर्ड वन लेंगे क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आपको यहां बताना चाहता हूं. अलग अलग टैक्सोनॉमिस्ट ने इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग प्रकार से प्रस्तावित किया है. बर्ग ने 1940 में, रोमर ने 1959 में, बर्टिन एंड आर्मबर्ग ने 1958 में, ग्रीनवुड ने एंड अटल ने 1989 में. लिविंग फिशेज का क्लासिफिकेशन अलग कर दिया और जो एक्सटिंक्ट हो गई फिशेज उनको एक अलग क्लास में रख दिया. वो क्लास है प्लेकोड्रमाई. अब कुछ पुस्तकों के अंदर क्लासिफिकेशन में दिखाया है कि दिस इज डिविजिबल इनटू थ्री क्लासेज, बट इज डाउटफुल. इसके पश्चात पार्कर एंड हेजवेल ने इस क्लास को छह सब क्लासेज में बांटा. मुझे ये क्लासिफिकेशन बड़ा उचित लगा क्योंकि प्लेकोड्रमाई इज ए क्लास. लेकिन अन्य टैक्सोनॉमिस्ट ने इनकी तीन क्लासेज बनाई, इसका मतलब प्लेकोड्रमाई को सुपर क्लास बना दी. चिंता करने की जरूरत नहीं है. इन क्लासेज के अंदर अन्य टैक्सोनॉमिस्ट ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो पार्कर हेजवेल ने मर्ज कर दिया सब क्लासेज में, उपवर्गों में. क्लास फर्स्ट मोस्ट ऑफ द टैक्सोनॉमिस्ट या वर्गीकरणों के अनुसार एकेंथोडाई. क्लास सेकेंड कोकोस्टियाई, जिसका दूसरा नाम देखो आर्थ्रोडीरा है. इसमें एक सब क्लास बताई है मैक्रोप्टेलिथीज. क्लास थर्ड है टेरिकथीज, जिसका दूसरा नाम है एंटीआर्काई. अपेंडिक्स टू कोकोस्टियाई क्लास सेकंड के बारे में बता रहा है कि इसमें स्टेगोसेलाची
या रिना निडा, ये सब क्लास और एक सब क्लास पे इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क कर दिया कि ये क्लास सब क्लास है कि नहीं, पेलियोस्पंडाइली। पार्कर एंड हेजवेल नामक प्रसिद्ध फेमस टैक्सोनॉमिस्ट ने, हाइमन के बाद में काम किया है, तो सबसे ज्यादा टैक्सोनॉमिस्ट पार्कर एंड हेजवेल थे। मैं तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि टैक्सोनॉमी पे काम बहुत कम हो रहा है, मुद्रा नहीं मिल रही है, मुद्रा नहीं मिल रही है। डॉक्टर सालिम अली थे और ऑर्निथोलॉजिस्ट लेट डॉक्टर सालिम अली, जिन्होंने पूरा जीवन पक्षियों के पीछे जंगलों में गुजार दिया, न घर की चिंता, न कोई लैंड, न कोई परिवार, न कुछ नहीं। अपना नाम, अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए और इस देश को, इस विश्व को कुछ न कुछ देने के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित किया कर दिया था लेट डॉक्टर सालिम अली, पक्षी विशेषज्ञ और ऑर्निथोलॉजिस्ट। टैक्सोनॉमिस्ट में जो काम करते हैं उनको मुद्रा नहीं मिलती है, प्रॉपर पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, आजकल लॉग तरह तरह के पैकेजेस में जा रहे हैं, इसलिए इस पे काम बहुत अल्प हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। पार्कर एंड हेजवेल ने छह क्लासेज बनाई, छह सब क्लासेज बनाई, सॉरी सब क्लास फर्स्ट एकेंथोडाई। इधर देखिए, इसने अन्य टैक्सोनॉमिस्ट ने क्लास बना दी एकेंथोडाई, यहां सब क्लास बनाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपन क्लास और सब क्लास दोनों का साथ साथ वर्णन करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। इसके आगे ब्रैकेट में लिखा, सिलूरियन से पीरियन पीरियड तक ये फूले फले थे। सब क्लास सेकंड आ रही है आर्थ्रोडीरा। अब आर्थ्रोडीरा देखो, कोकोस्टियाई के अंदर आगे लिखा हुआ है आर्थ्रोडीरा, इसका मतलब सेकंड क्लास के अंदर ये एक सब क्लास है, जो पार्कर एंड हेजवेल ने इसको सब क्लास स्वीकार किया और ये सिलूरियन टू डेवोनियन पीरियड में फूले फले थे। मैं आपको यहां बताना उचित ही समझता हूं कि पेलियोजोइक एरा बहुत बड़ा एरा था, जो मीजोजोइक से पहले एरा से पहले आता है, दो नंबर का प्रोटेरोजोइक या पहला वाला जो है एजोइक एरा मानते हैं। अलग अलग जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ने इनका अलग अलग टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाया है। पेलियोजोइक एरा के अंदर छह पीरियड्स थे, पहला कैम्ब्रियन, दूसरा ऑर्डोविशियन, तीसरा सिलूरियन, चौथा डेवोनियन और पांचवा कैम्ब्रियन और लास्ट का था परमियन पीरियड। और फॉर्मूला या ट्रिक याद करो तो कोस्ट COSDCP से याद कर लो, मीजोजोइक का TJC, ट्रायसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। ट्रिक्स काम में लेने पड़ेंगे जियोलॉजी में, अदरवाइज क्लासिफिकेशन याद नहीं होता है। सब क्लास थर्ड टेलिथिडा डेवोनियन पीरियड के अंदर, सब क्लास थर्ड इसमें कहीं भी ऊपर मेंशन नहीं की हुई है, इसमें कोकोस्टियाई के अंदर आर्थ्रोडीरा ले रही है, तो अपन सब क्लास दो पढ़ेंगे, एक तो मैक्रोटेलिथीज और एक पढ़ेंगे टेलिथिडा डेवोनियन पीरियड में, मात्र डेवोनियन काल में पाए जाने वाले। सब क्लास फोर्थ एंटीआर्की। अब देखिए, आप क्लास थर्ड ली है ऊपर टेरिथीज के अंदर, आगे इन ब्रैकेट लिखा हुआ है एंटीआर्काई, तो यहां एंटीआर्काई जो सब क्लास है वो चौथी हो जाएगी। इसका दूसरा नाम टेरिक्थी मॉर्फी नाम है, जो सिर्फ डेवोनियन पीरियड में ही पाए जाते थे या ये मछलियां पाई जाती थी। क्लास फिफ्थ रिने निडा। यहां देखिए आप अपेंडिक्स में
कॉकोस्टियाई यानी स्टेगो सेलाची के आगे ये लिखा हुआ है रिने निडा, तो क्लास पांचवी भी हो जाएगी, सब क्लास पांचवी भी अपने पास हो जाएगी। ये भी डाउटफुल थे कि ये क्लास ये स्टेगो सेलाची को माने या रिने निडा को माने, और एक में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया पेलियोस्पोंडाइली। अपन क्लास सिक्स पढ़ेंगे जो पार्कर एंड हेजवेल नाम के प्रसिद्ध टैक्सोनॉमिस्ट ने वर्गीकरण दिया है पेलियोस्पोंडाइलिया, जो डेवोनियन पीरियड के अंदर खूब फले फूले थे। माय डियर फ्रेंड्स, नीचे वाले बिंदुओं को ये ऊपर वाली क्लास लिखेंगे, आगे इन ब्रैकेट में सब क्लास लिखेंगे, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपकी समझ में नहीं आएगा। नेथोस्टोमेटा, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा दो डिवीजन बने थे, और नेथोस्टोमेटा के ये सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। नेथोस्टोमेटा के अंदर दो भाग हैं, एक तरफ तो चला गया प्लेकोडर्म्स, दूसरी तरफ आ गई लिविंग फिशेज। नेक्स्ट, प्लेकोडर्म्स वर द अर्लिएस्ट जॉज वर्टिब्रेट्स। प्लेकोडर्म्स सबसे पहले बनने वाले पृष्ठवंशी प्राणी थे जिसमें जबड़े उपस्थित होते थे। वेल प्रोटेक्टेड बाई हैवी बोनी प्लेट्स आर देयर फॉर कॉल्ड प्लेकोडर्म्स। और शरीर बहुत बड़ी प्लेट्स द्वारा सुरक्षित रहता था। भारी प्लेट्स बोनी बोन्स यानी ऑस्टिन नामक प्रोटीन से बनी हुई प्लेट्स होती थी, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्लेकोड्रम्स। प्लेकोड्रम्स दो ग्रीक शब्दों से बना है। जियोलॉजिकल पीरियड लेते हैं अपन, दे अपीयर ड्यूरिंग द सिलूरियन। सबसे पहले प्रकट कब हुए? सिलूरियन पीरियड में। वर क्वाइट डोमिनेंट फॉर ए ब्रीफ पीरियड ड्यूरिंग द डिवोनियन, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त समय तक ये डिवोनियन के अंदर प्रभावशाली जीवन व्यतीत किया था इन्होंने। बट ऑल देम बिकेम एक्सटिंक्ट बाई द एंड ऑफ परमियन पीरियड। जितने भी प्लेकोड्रम्स होंगे वो पेलियोजोइक एरा की लास्ट का पीरियड परमियन जो होता है उसके अंतिम पीरियड तक, परमियन पीरियड के लास्ट तक, एंड ऑफ द परमियन पीरियड तक ये सभी के सभी विलुप्त हो चुके थे। थस दे लिव्ड ड्यूरिंग द पेलियोजोइक एरा ओनली। ये सिर्फ पेलियोजोइक एरा या महाकल्प में ही पाए जाने वाले जंतु थे। आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज पेलियोजोइक फिशेज। कभी कभी या इसको अपन यूं संज्ञा दे दें कि पेलियोजोइक एरा में पाए जाने वाले ये तो पेलियोजोइक फिशेज हैं। ध्यान देना, ये देखिए पेलियोजोइक फिशेज। थर्ड वन लेते हैं, कॉमन फीचर्स ऑफ प्लेकोड्रम्स। प्लेकोड्रम्स की सामान्य विशेषताएं या चारित्रिक लक्षण। ड्यूरिंग द ब्रीफ पीरियड ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, बहुत संक्षिप्त समय तक इनका अस्तित्व रहा था, प्लेकोड्रम्स बिकेम अडेप्टेड टू डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ। इसलिए डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ, प्री स्विमर्स भी थे, प्रीडेसियस नेचर के भी थे, पानी से बाहर आने की भी इनमें क्षमता थी, इसलिए ये अपने आप में एक विषम हेट्रोजीनियस समूह का, विषम समूह का निर्माण करने वाले जंतुओं का समूह है। एंड देयर फॉर फॉर्म ए वेरी हेट्रोजीनियस ग्रुप पजेजिंग ओनली ए फ्यू कॉमन फीचर्स। दीज आर गिवन फिलो बिलो दीज आर गिवन बिलो इनमें पाए जाने वाले कुछ ही लक्षण जो हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हेट्रोजीनियस ग्रुप होते हुए भी ऑल ऑफ देम हैड ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ जो, सभी के अंदर एक सरल प्रकार का जबड़ा या सरल प्रकार के जॉज जबड़े पाए जाते थे। दे अपर जॉ वाज स्ट्रॉन्ग फ्यूज्ड विद द स्कल। ऊपरी जबड़ा तो मजबूत था और खोपड़ी के साथ फ्यूज था। दे हाइड आर्क डिड नॉट सपोर्ट द जॉज इन द मॉडर्न फिशेज। एज इन द मॉडर्न फिशेज, आधुनिक समय में पाए जाने वाली मछलियों के अंदर हाइड ऑर्क सपोर्ट नहीं करता था। हाइड ऑर्क क्या है? पांच फेरिंजियल आर्क्स होते हैं,
उनमें से सेकंड जो फेरिंजियल आर्क होता है वो हाइड आर्क का निर्माण करता है, और हाइड आर्क किस में बदल जाती है, बोनी स्ट्रक्चर हाइड बोन में बदल जाती है, और ये नेक रीजन के दोनों पार्श्वों में, दोनों पार्श्वों का और इस सामने वाले भाग का निर्माण करती है। और फेरिंग्स आपको पता है प्रिमेटिव नेचर में एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर यहाँ फेरिंजियल गिल स्लिट्स यहाँ खुलते हैं, तो इसका मतलब ये फेरिंजियल आर्क कहाँ उपस्थित होंगे, नेक में, गर्दन में। सो दैट जो सस्पेंशन वाज ए प्रिमिटिव टाइप, इसलिए जबड़ों का निलंबन बहुत ही सरल प्रकार का होता था। दिस इज कॉल्ड एफिटोहाइडियन कंडीशन। इस प्रकार की कंडीशन, सरल प्रकार के जबड़ों के सस्पेंशन को, निलंबन को एफिटोहाइडियन कंडीशन कहा जाता है या डेंटिशन कहलाता है या एफिटोहाइडियन एनिमल्स कहलाते हैं। हाइड गिल स्लिट्स, ये देखिए हाइड यानी नेक रीजन में फेरिंजियल गिल स्लिट्स वर प्रेजेंट एंड स्पेरिकल वर नॉट फॉर्मड। गिल स्लिट्स, हाइड गिल स्लिट्स उपस्थित होते थे लेकिन स्पाइरेकल श्वास रंधर नहीं बने थे। पेयर्ड फिन्स वर प्रेजेंट बट वर क्वाइट वेरिएबल इन डिफरेंट मेंबर ऑफ द ग्रुप। पेयर्ड फिन्स कौन से, पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स, दोनों पेयर्ड फिन्स होते हैं, ये उपस्थित होते थे लेकिन विभिन्न आकारों में, कोई कंठों में बदल जाता था, किसी कोई हड्डी में बदल गया था, इसलिए ये डिफरेंट मेंबर्स के अंदर वेरिएबल बदलने वाले रूपों में ये पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स या पेरेड फिन्स पाए जाते थे। प्लेकोडर्माई आर डिवाइडेड इनटू थ्री फॉलोइंग क्लासेज। मोस्ट ऑफ द टैक्सोनॉमिस्ट ने ऊपर जो वर्गीकरण पहले समरी में मैंने बताया है उसके बारे में बताने जा रहा हूं, अकेंथोडाई, कोकोकस्टियाई और टेरिक्थीज। पढ़ेंगे अपन सब क्लासेज के साथ में। नेक्स्ट, सब क्लास और क्लास, क्लास फेस्ट और सब क्लास फेस्ट अकेंथोडाई लेते हैं, दे आर आल्सो नोन एज स्पिनी शार्क्स। स्पिनी शार्क्स यानी इनमें कांटे पाए जाते थे। शार्क्स मछलियां जो होती हैं आज के समय में पाए जाने वाली, रिजेम्बल्ड द शार्क इन द जनरल अपीयरेंस। आज के समय में पाए जाने वाली जो शार्क मछलियां होती हैं उनसे मिलती जुलती, लेकिन बॉडी के ऊपर स्पाइन्स पाए जाते थे। ड्यू टू दिस रीजन दे वर नॉन एज स्पिनी शार्क्स। क्लाइमेटियस ऑफ द लेट सिलूरियन एंड अर्ली डेवानियन पीरियड इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप। एक उदाहरण मैं पेश कर रहा हूं, मात्र एक ही उदाहरण जो लेट सिलूरियन पीरियड में और अर्ली डेवानियन पीरियड तक पाया जाता था। क्लाइमेटियस का ये डायग्राम है, ये मछली का डायग्राम है जो विलुप्त हो चुकी है। क्लाइमेटियस, क्लाइमेटियस वाज ए स्मॉल एनिमल विद फिश लाइक बॉडी। बॉडी कैसी है इनकी, फिश की लाइक, ये देखिए आप, फिश लाइक, विद स्मॉल रोम्बिक स्केल्स फॉर्मिंग ए डर्मल आर्मर। रोम्बिक और गेनोइड स्केल दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चार प्रकार के पड़ते हैं लेकिन मुख्यतः पांच प्रकार के स्केल्स मछलियों में पाए जाते हैं। उपास्थल मछलियों में प्लेकोइड स्केल, बाकी के मछलियों के अंदर टीनोइड है, साइक्लोइड है, गेनोइड है। गेनोइड का दूसरा नाम रेम्बॉइड है। ये रेम्बॉइड या गेनोइड स्केल छे, ये त्वचा के ऊपर बहुत बड़ा आर्मर, आर्मर का मतलब कवच बना लेते थे। स्केल्स वर कंपोज्ड ऑफ ए बोन लाइक मटेरियल। ये स्केल्स बोन लाइक यानी हड्डी जैसी संरचना, हड्डियों जैसी संरचना से बने हुए होते थे। वर लार्जर इन साइज ओवर दी हेड फॉर्मिंग रेगुलरली अरेंज प्लेट्स। लेकिन हेड के ऊपर ये बहुत बड़ा शील्ड बना लेते थे, ये बोनी प्लेट्स। द माउथ वॉज टर्मिनल एंड लार्ज आईज वॉज सिचुएटेड फॉर फार फॉरवर्ड सो एज टू रिड्यूस द रीजन ऑफ द स्नॉट। माउथ जो था वो शरीर के एकदम अंतस्थ छोर पे उपस्थित होता था,
दो बड़ी आंखें होती थी, एक दूसरे से बड़ी दूर दूर, और इसके कारण से स्नॉट यानी नूथन आगे की ओर जो होता है उनकी रीजन जो होता था आईज के कारण से, बड़ी आंखें होने के कारण से नूथन की आकृति छोटी दिखाई देती थी। टेल वाज हेटेरोसर्कल, कल वाले वीडियो में मैं बताया था मैंने, टेल हेटेरोसर्कल का मतलब एपिकॉर्डल लॉब, ऊपर वाला लॉब जो है कॉर्डल फिन का बड़ा, और हाइपोकॉर्डल लॉब छोटा, विषम पालित, दोनों पालियां समान नहीं होंगी। इसका अपोजिट होगा होमोसर्कल, दोनों पालियां समान होंगी। टू डोर्सल एंड वन एनल फिन वर प्रेजेंट, यहां देखिए आपको एक दिखाई दे रहा है डोर्सल फिन, ये एक दूसरी साइड में रह गया, एक दूसरी पार्श्व में रह गया, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। टू डोर्सल एंड वन एनल, दिस इज एनल फिन, ये देखिए आप एनल फिन। सॉरी, डोर्सल फिन दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, लेटरल साइड में आ गया। दीज आर, ये तो है पेल्विक फिन्स, ये दोनों क्या है पेक्टोरल फिन्स। पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स के बीच में संख्या गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 छोटे छोटे स्पाइंस उपस्थित होते थे। टेल का अपर लॉब बड़ा, नीचे वाला लॉब छोटा, और सपोर्टेड बाय फिन रेज लाइक स्ट्रक्चर्स, फिन लाइक जैसी संरचनाओं के द्वारा ये सपोर्टेड होते थे। द टू डॉर्सल एंड वन एनल फिन वर प्रेजेंट, ए पेयर ऑफ पेक्टोरल वर प्रेजेंट इमीडिएटली बिहाइंड द स्कल, पेक्टोरल फिन्स उपस्थित होते थे एकदम खोपड़ी के पीछे, ये देखिए आप पेक्टोरल फिन्स। बिटवीन द पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स वर प्रेजेंट, देखिए पेक्टोरल और ये पेल्विक फिन, मछली के ऊपर मैं चल रहा हूं, देखना आप ये तीर का निशान, देखिए पेक्टोरल और पेल्विक फिन के बीच में ये पांच क्या है प्रेजेंट, इधर देखिए वर प्रेजेंट 5 पेयर्स ऑफ स्मॉलर फिन्स, एक साइड के दिखाए हैं, एक लेटरल साइड के दिखाए हैं, छोटे छोटे 5 जोड़ी फिन्स और पाए जाते थे पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स के बीच में। दैट इंक्रीज इन ए साइज एंटीरो पोस्टीरियरली, इनकी आकृति आगे से जब पीछे की तरफ चले तो बढ़ती गई, एंटीरो पोस्टीरियरली यानी अग्र भाग से पश्च भाग की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे इनकी आकृति, आगे वाला छोटा और लास्ट वाला सबसे बड़ा दिखाया है, और इनके एंटीरियर मार्जिन पर अग्र सिरे की ओर जो डायग्राम में शो नहीं हो रहे हैं, मार्जिन के ऊपर जो है वो कांटे पाए जाते थे। नेक्स्ट, ईच फिन वाज सपोर्टेड बाई ए स्पाइन अलोंग इट्स एंटीरियर मार्जिन, बता दिया कि अग्र मार्जिन सीमांत या सीमा पर सिरे पर स्पाइंस या स्पाइन कांटे पाए जाते थे। ए पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ ए स्केपुला एंड ए कोराकोइड वाज प्रेजेंट, पेक्टोरल गर्डल वैसे स्केपुला, कोराकोइड और सुप्रा स्केपुला सुविकसित वर्टिब्रेट्स में बनी हुई होती है, लेकिन इनमें दो ही बोन स्केपुला और कोराकोइड ही फ्यूज होकर के पेक्टोरल गर्डल का निर्माण करती थी। द जा वाज वेरी प्रिमिटिव, जबड़े या जबड़ा बहुत सरल प्रकार का, आधे प्रकार का। द अपर जा, और दूसरा नाम है प्लेटो क्वाड्रेट, वाज कंपोज्ड ऑफ 3 पीसेज, प्लेटो क्वाड्रेट 2 पैलेटाइन्स एंड क्वाड्रेट बोन के द्वारा बना हुआ होता था। ऊपरी जबड़े पर, ऊपरी जबड़े का दूसरा नाम है प्लेटो क्वाड्रेट, 3 पीसेज का बना हुआ होता था, लेकिन वाज डिवाइड ऑफ टिथ, दांत नहीं पाए जाते थे। लोअर जा वाज फॉर्मड बाय ए मैंडिबल ऑफ विद टिथ, निचला जबड़ा मैंडिबल का बना होता है, निचले जबड़े का दूसरा नाम मैंडिबल भी होता है, जिसकी ऊपर दांत पाए जाते थे। द हाइड आर्क वॉज कंप्लीट टेकिंग नो पार्ट इन द जा सस्पेंस,
हाइड आर्क कंप्लीट होता था, पांच हाइड आर्क में से सेकंड हाइड आर्क जो गर्दन का अग्र और पार्श्व भाग बनाता है, फेरिंजियल रीजन में पाया जाता है, गर्दनीय प्रदेश में पाया जाता है, नेक रीजन में पाया जाता है, ये सुविकसित होते थे, लेकिन जबड़ों के सस्पेंशन में, जबड़ों के निलंबन में, जबड़ों को स्कल के साथ के जोड़ने में कोई भी रोल महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। द फर्स्ट गिल स्लिट वाज लार्ज, पहला प्रथम गिल स्लिट गिल छिद्र बहुत बड़ा एंड फंक्शनल, देयर बीइंग नो स्पाइरेकल्स, पहले बता दिया कि स्पाइरेकल्स इनमें या श्वास अंदर बॉडी से बाहर नहीं खुलते थे। ए सीरीज ऑफ गिल स्लिट्स वर प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द हेड, हेड के दोनों पार्श्वों की तरफ, एक तो बड़ा गिल छिद्र और बाकी के कई गिल स्लिट्स की श्रृंखला हेड के दोनों पार्श्वों पर उपस्थित होती थी, और कवर्ड और बाय एन ऑपरकुलर या ऑपरकुलम फोल्ड, ऊपर से ढकने के लिए ऑपरकुलम ढक्कन नुमा रचना जिसको ढापन बोलते हैं हिंदी में। दीज वर कवर्ड ओवर बाई ए लार्जर ऑपरकुलम ऑफ स्टिफ बॉनी रॉड्स, मजबूत ऑपरकुलम यानी मजबूत हड्डियों युक्त छड़ों से बनी हुई ऑपरकुलम के द्वारा ये असंख्य गिल छिद्र दोनों हेड के दोनों पार्श्वों में खुलते थे, वो ढके हुए होते थे। द न्यूरोक्रेनियम एंड द ब्रेंकियल आर्क वर लार्जली कार्टिलेजिनियस, न्यूरोक्रेनियम क्रेनियम का वो पार्ट जो ब्रेन को चारों तरफ से घेरता है, क्रेनियम यानी स्कल, ब्रेन बॉक्स, ब्रेन केस या इन केस ऑफ द ब्रेन, और ब्रेंकियल आर्केज पांच जोड़ी वो उपास्थिल होते थे, कार्टिलेजिनियस होते थे, बोनी नहीं होते थे। नेक्स्ट क्लास सेकंड कॉकस टेल ले रहे हैं, और पार्कर हेजवेल के अनुसार सब क्लास आर्थ्रोडीरा ले रहे हैं। दीज मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर नॉन एज द आर्मर्ड फिशेज, इसका मतलब इनका बाह्य कंकाल भी बड़े बड़े स्केल से बनी हुई बोनी स्क्यूट्स या बोनी प्लेट्स या शील्ड का बना हुआ होता था, इसलिए इनको आर्मर्ड कवचीय मछलियां कहते हैं, यह कवचीय मछलियां थी। और द जॉइंट नेक्ड फिशेज ऑफ द डेवोनियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड में पाए जाने वाली जॉइंट नेक्ड फिशेज थी, यानी हेड जो नेक के साथ में जॉइंट हो जाता था, इसका मतलब गर्दन अपसेट हो जाती थी। दे वर फास्ट स्विमर्स, मैंने हेट्रोजीनियस बताया, ये फास्ट स्विमर्स, प्रीडेटरी एनिमल्स आर बीइंग बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय कॉकोस्टियस, दिस इज ए फिश ऑफ कॉकोस्टियस, ये कॉकोस्टियस मछली है, इसका डायग्राम दिखाया आपको, टेल हेटेरो सर्कल, आपको ये पेल्विक फिन्स दिखाई दे रहे हैं, एक साइड का पेक्टोरल फिन बोन के रूप में दिखाई दे रहा है, ये प्लेट्स हैं बॉडी के ऊपर, ये आई स्पॉट नेत्र बिंदु दिखाए हैं। नेक्स्ट द हेड एंड द थोरेक्स रीजन वर वेल प्रोटेक्टेड बाय हैवी आर्मर ऑफ बोनी प्लेट्स, हेड और ट्रंक धड़ जो होता था वो बोनी प्लेट से बने हुए बड़े कवच द्वारा सुरक्षित होता था। बट द ट्रंक एंड द टेल वॉज नेक्ड और कवर्ड विद स्केल्स, लेकिन कुछ ट्रंक का भाग, सम ऑफ द पार्ट ऑफ दिस ट्रंक और जो टेल होती थी ये छोटे छोटे स्केल्स के द्वारा ढकी हुई होती थी। द बोनी प्लेट्स, इधर देखिए, बोनी प्लेट्स कवरिंग द हेड वर यूनाइटेड टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग शील्ड, बोनी प्लेट्स तो हेड के चारों तरफ पाई जाती थी और मिलकर के एक बहुत बड़ी मजबूत शील्ड का, एक कवच का निर्माण कर लेती थी। द आईज वर लार्ज, ये देखिए आईज, यहां ये एक नेत्र दिखाया, एक साइड की नेत्र दिखाई देगी, दूसरी साइड की नहीं देखेगी, लेटरल पीछे देखेंगे मुझे।
ईच वॉज प्रोटेक्टेड बाई ए रिंग ऑफ फोर बोनी प्लेट्स, प्रत्येक आंख चार बोनी प्लेट्स के द्वारा बनी हुई एक वलय द्वारा रिंग द्वारा सुरक्षित होती थी। द नॉस्ट्रिल वर सिचुएटेड एट द एंटीरियर एंड ऑफ द स्कल, नासा छिद्र जो होता था वो स्कल के या हेड के एकदम अग्र सिरे पर उपस्थित होता था। इधर राइट हैंड साइड में चलिए, द स्ट्रॉन्ग लोअर जॉ वॉज डायरेक्टली यूनाइटेड विद द हाइंडर पार्ट ऑफ द स्कल। पहले वाले सब क्लास या क्लास के अंदर निचला जबड़ा मजबूत था, अब यहां क्या कह रहा है वापिस, स्ट्रॉन्ग लोअर जॉ वॉज डायरेक्टली यूनाइटेड विद द हैंडर पार्ट ऑफ द स्कल। यहां भी वापिस पुनरावृत्ति कर रहा है कि निचला जबड़ा जो मजबूत होता है वो सीधा स्कल के पीछे वाले भाग पे जाकर के, स्कल का पीछे वाला भाग से जाकर के जुड़ जाता था और उसमें कंसिस्टेड ऑफ ए सिंगल लार्जर बोन, जो एक बहुत बड़ी बोन से जुड़ी हुई होती थी स्कल। वूज अपर आर मार्जिन वार रेज्ड इनटू टिथ लाइक पॉइंट स्ट्रक्चर्स, वहां इनर मार्जिन पे, यहां पे बोल रहा है अपर मार्जिन के ऊपर क्या पाए जाते थे, टिथ लाइक पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते थे। टू स्ट्रॉन्ग बोनी प्लेट्स अटैच टू द स्कल वर्कड एज टिथ अगेंस्ट द लोअर जॉ। अब देखिए, दो मजबूत बोनी प्लेट्स खोपड़ी से जुड़ी हुई थी और दांतों के समान कार्य कर रही थी, लेकिन लोअर जॉ पर पाए जाने वाले दांतों में नहीं, दांतों जैसी नहीं, उनके विपरीत। लोअर जॉ वाज मूवेबल, लोअर जॉ अगर मजबूत होता है तो जब मुख गुहा को खोलते हैं तो चोड़ी खुल सकती है। अगर दोनों निचला जबड़ा, ऊपर वाला जबड़ा तो अधिकतर इमूवेबल होता ही है, निचला जबड़ा अगर इमूवेबल हो तो अपन मुख और मुख गुहा को पूरा नहीं खोल सकते। इनके अंदर लोअर जॉ, निचला जबड़ा मूवेबल गतिशील होता था, इसलिए मुख या चौड़ा खोल सकते थे। द लोअर जॉ, ये देखिए आप लोग, वाज मूवेबल सो दैट द माउथ कुड बी ओपन वाइड, माउथ को बहुत बड़ा आया खोल लेते थे। देर वाज नो ऑपरकुलम, यानी गिल छिद्रों को ढकने वाली कोई ऐसी ऑपरकुलम जैसी लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। द गिल्स वर प्रोबेबली प्रोटेक्टेड बाई लेटरल बोनी प्लेट्स ऑफ द हेड, छोटी छोटी बोनी प्लेट्स के द्वारा शीर्ष के दोनों ओर ये ढके हुए थे, छोटे छोटे ओपन्ड एट द बैक ऑफ द स्कल, और खुलते थे खोपड़ी के पीछे की ओर। देर वाज नो स्पाइरिकल, कोई श्वास अंदर बॉडी से बाहर खुलने वाला नहीं था। हेड आर्क वाज प्रोबेबली प्रिमिटिव, दूसरा फेरिंजियल आर्क बताया है मैंने, जो नेक के फ्रंट भाग को और लेटरल पार्ट को बनाता है और हाइड बोन का निर्माण कर लेता है, वो बड़ा प्रोबेबली सामान्यतया अधिकांशतया सिंपल प्रिमिटिव होता था। द बॉडी एंडेड बिहाइंड इन ए विप लाइक टेल और हेटेरोसर्कल टाइप ऑफ द टेल, ये देखिए आप, हेटेरोसर्कल टाइप ऑफ द टेल में समाप्त होती थी। ए डॉर्सल फिन वाज प्रेजेंट, एक डॉर्सल फिन बॉडी के ऊपर पाया जाता था। ए पेयर ऑफ स्मॉल पेल्विक्स वर आल्सो रिप्रेजेंटेड, पेल्विक फिन्स भी एक जोड़ी इसमें पाई जाती थी। ए पेयर ऑफ पेक्टोरल फिन्स वर रिप्रेजेंटेड बाई एन इमूवेबल फिन, और ये हड्डी लाइक स्ट्रक्चर था, ये देखिए एक ही दिखाया है, दूसरी साइड का नहीं दिखाया है, और अगतिशील होते थे, कौन से, पेक्टोरल। नेक्स्ट, ये देखिए, बोन कवर्ड स्ट्रक्चर ऑन ईच साइड,
यानी पेक्टोरल गर्डल जो होती थी, पेक्टोरल फिन्स जो होते थे, वो हड्डियों द्वारा दोनों पार्श्वों में गिरे हुए होते थे। नोटोकॉर्ड वाज परसिस्टेंट, चिरस्थायी होती थी, पूरे जीवन काल में पाई जाती थी, विद न्यूरल हिमल आर्चेज, पांच में से दो, एक न्यूरल जो एक्टोड्रम का निर्माण करेगी और एक हिमल जो मेजोड्रम का निर्माण करती है। बट विदाउट एनी वर्टिब्रा सेंट्रा, वर्टिब्रम के मुख्य बॉडी को सेंट्रम कहते, वर्टिब्रल कॉलम में पाए जाने वाला सेंट्रम नहीं था जिसके अंदर से न्यूरल कैनाल गुजरती है और ऊपर एक न्यूरल स्पाइन होती है और न्यूरल कैनाल में से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है, एब्सेंट होता था। बाय द मिडल एंड लेट डेवोनियन पीरियड द आर्थ्रोडायर्स, आर्थ्रोडीरा में पाए जाने वाले आर्थ्रोडायर्स हैड बिकेम फास्ट स्विमिंग एंड प्रीडेटरी फॉर्म्स। मिडल और लेट डेवोनियन पीरियड के अंदर ये आर्थ्रोडायर्स जो थे ये बहुत तेजी से तैरने वाले और प्रीडेटरी शिकारी के रूप में इनका बोलबाला था, शिकारी मछलियों के रूप में बोलबाला था। सम ऑफ दीज एक्वायर्ड एनॉर्मस साइज लाइक द जायंट जिनेरा, कुछ तो बहुत बड़ी इनॉर्मस साइज, बहुत विशाल आकार के, दैत्य आकार के, जायंट आकार के रूप धारण कर लेते थे, जो जिनेरा बता रहा हूं, डिनिक्थीस एंड टाइटेनिक थीज, दैट रिचेज अप टू 3 feet इन लेंथ एंड प्रैक्टिकली रूल्ड द डेवोनियन वाटर्स, जो जिनकी लंबाई 30 feet तक लंबी हो सकती थी। और ये डेवोनियन पीरियड के अंदर पाए जाने वाले मछलियों के अंदर इनका आधिपत्य था या इनका बोलबाला था। माय डियर फ्रेंड्स, टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को दो टुकड़ों में तोड़ूंगा, मैंने 6 class में से आज 2 ही class या 2 sub class ही बताई हैं, 4 आपको कल वाले वीडियो में बताऊंगा, वीडियो नंबर शायद 63 होगा। कोरोना का ध्यान रखना है, मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जो समय समय पर जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमिश्नर महोदय हायर एजुकेशन जयपुर और राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरीज का दृढ़ता से पालन करना है, अपना बाल विवाह का नहीं होगा। अगर उन एडवाइजरीज के सभी बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए आप घर पे हो, सुरक्षित हो, बाहर निकलते हो, तो जो जो बिंदु उसमें दिए हुए उनकी पालना दृढ़ता से करनी है। इन्हीं कटु सत्य शब्दों के साथ जो वीडियोस को वॉच, मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, उनको मेरी ओर से कॉर्डियली शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।